हमारी धरती, जब यहाँ हवा चलती है तो लगता है कि बांसुरी सुर बिखेर रही है, बारिश बरसती है तो जल तरंग का एहसास होता है, जहाँ पे परिंदे हर वक्त गीत गाते रहते हैं तो वहाँ के लोग मौसीकी से इश्क भला कैसे नहीं करेंगे। यहाँ कभी माँ की ममता लोरी बनकर बच्चे के कान में सुर घोलती है तो कभी बंदगी कवाली की शक्ल में सर धुनती है। मोहब्बत, हिजर और विसाल के जज्बात ने गज़ल की शक्ल में इजहार की सूरत पाई तो लोक मौसीकी ने आम जज्बों को, आम मसाइल को, छोटी छोटी बातों को शक्ल दी। हमारे इस खित्ते में, हमारे लोगों में मौसीकी ने मेलोडी को हमेशा ज़िंदा रखा। तो फिर गालिब के लिरिक्स हों या बेगम अख्तर की गज़ल सराई, खुसरो के गीत हों या लोक मौसीकी, मेलोडी नेवर एंड्स। और हमारा आज का ये प्रोग्राम दिल से एक छोटी सी काविश है इसी मेलोडी, इसी सुर को रिवाइव करने की, मगर दिल से। हमारी आज की खूबसूरत शाम जिसका नाम है दिल से, इसकी एक वजह है, और मैं चाहूँगी कि उस शख्स की ज़ुबान से ही हम सुने कि इस प्रोग्राम का नाम ये क्यों है। लेकिन उनसे आपको मिलवाने से पहले मैं उनके बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उस शख्स ने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है वो दिल से किया है, इसी वजह से उन्हें लोग बहुत प्यार करते हैं, उनका एहतराम करते हैं और उनके बहुत से दोस्त हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूसुफ सलाहुद्दीन की। यूसुफ, आपने ज़िंदगी में मेरे ख्याल से यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो वो ऑलवेज बीन ट्राइंग टू रीडिस्कवर देमसेल्व्स। आपने बड़ा कुछ किया, पॉलिटिक्स भी की, फिर आपने सकाफत को आगे लाने में बहुत काम किया, बसंत को बहुत प्रमोट किया, और ये लेटली म्यूज़िक से, मौसीकी से इतनी मोहब्बत कैसे? इफ़त, मौसीकी से मोहब्बत तो बचपन से ही थी। मैं वो शख्स हूँ कि जो 11 साल की उम्र में बेगम अख्तर को सुना करता था। मुझे याद है जब मैं स्कूल से, हमें छुट्टी होती थी 1 बजे, तो सीधा घर पहुँचते थे और तब ऑल इंडिया रेडियो का एक प्रोग्राम चलता था उर्दू सर्विस, तो उसमें बेगम अख्तर की 1-2 गज़लें ज़रूर चला करती थी और मैं सुना करता था, एंड आई यूज़ टू इन्जॉय देम। तो आई थिंक जहाँ तक हम पाकिस्तानियों का ताल्लुक है, हम म्यूज़िक को सब इन्जॉय करते हैं, हर एज के, हर किस्म के लोग जो हैं मौसीकी को enjoy, हमारे अंदर पार्ट ऑफ अस, बिल्कुल। लेकिन आप जिस मौसीकी को रिवाइव करना चाह रहे हैं और जिसको फ़रोग देना चाह रहे हैं, वो हमारी एक्चुअल एसेंस है जो हमारी मौसीकी की, वो है? अब मेरी एक एक छोटी सी कोशिश है कि हमारा जो म्यूज़िक है वो इतना रिच है, हमारी हेरिटेज इतनी रिच है, और इसको किस तरीके से हमारी जो यंग जनरेशन है इसको किसी ना किसी तरीके से ये उन तक पहुँचे। और मैंने इसका जो तरीका जो उसका मैंने ढूंढा है वो ये है कि आजकल के जो रेलेवेंट करंट जो सिंगर्स हैं, जिनकी सबकी माशाल्लाह एक अपनी बहुत बड़ी लार्ज फैन फॉलोइंग है, उनके ज़रिए से, उनके तरीक़े से, उनके स्टाइल से, यू नो, जो यही म्यूज़िक है, अल्फाज तो वही हैं, बात वही है, लेकिन उसको बात पहुंचाने का तरीका नया है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं साहिर अली, जो मेरे अंदरून शहर के मेरे मोहल्लेदार भी हैं और उनका अपना ताल्लुक जो है वो एक पाकिस्तान की मशहूर म्यूज़िक फैमिली ताफो साहब से, उनके बहुत बड़ा नाम है जी, उनका बहुत बड़ा नाम है, और जो मेरे इस एल्बम के अरेंजर भी हैं और साउंड इंजीनियर भी हैं। मेरी ये चंद सालों से ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इस वक्त हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो गा रहे हैं, यही हमारे मुल्क के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। ये बाहर जाते हैं, आप देखिए सब जो हैं बच्चे हमारे जो गा रहे हैं बाहर, दे आर पाकिस्तानीज एंड दे आर गिविंग पाकिस्तान द गुड नेम, द रिकग्निशन दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही एक फील्ड है इस वक्त पाकिस्तान में जहाँ माशाल्लाह हम, मैं समझता हूँ कि हम किसी से कम नहीं बल्कि बहुत ऐसे मुल्कों से हम आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से अब ये हमारे तमाम जो हाजरीन और नाजरीन हैं अब सुनना चाहते होंगे कि आखिर जो हम इतनी बातें कर रहे हैं वो है क्या, जादू और वो सहर है क्या। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, पीर मेहर अली शाह के सूफियाना कलाम से कौन वाकिफ़ नहीं, लेकिन आज हम आपको उनकी एक
गज़ल सुनवाएंगे जिसे आवाज़ से सजाया एक नई गुलकार ने, जिनका नाम है सुहेल सलामत, लेकिन बहुत दिल से गाया है। और इससे पहले कि हम उन्हें सुने, मैं आपसे उनके बारे में, आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानना चाहूँगी। सुहेल के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये बख्शी सलामत के उनके इनके वालिद बड़े मशहूर मौसीकी का नाम फैसलाबाद से इनका ताल्लुक। आप इनको दावत दीजिए कि आके सुहेल, हम अब आपको दावत देते हैं। इस तरह तू होश उड़ाया ना कीजिए, यूं बंसवर के सामने आया ना कीजिए। आप इस तरह तू होश उड़ाया ना कीजिए, बंसवर के सामने आया ना कीजिए। आप इस तरह तू हो मैं आपका घर आपका, आइए हजार मैं आपका घर आपका, आइए हजार बार, लेकिन किसी की बात में आया ना कीजिए, यूं बंसवर के सामने किस ख्याल में, कहिए क्यों आप महब हैं किस किस ख्याल में, हमसे तो दिल की बातें छुपाया ना कीजिए, यूं बंसवर के सामने आया ना कीजिए। आप इस तरह तू होश यू मदबरी निगाह उठाया ना कीजिए, उठाया ना कीजिए, पीना हराम है तो पिलाया ना कीजिए, यूं बंसवर के सामने आया ना कीजिए। आप इस तरह पंजाब खेत खलियानों बहते पानियों की धरती, यहाँ दरिया भी सुर में बहते हैं, यहाँ जब हवा भी चलती है तो पत्ते भी ताल देने लगते हैं। नई आवाज़ फरा अनवर, एक पंजाबी गीत के साथ।
पहली दफ़ा ये गा रही हैं और कोई इनकी कोई गाने की ट्रेनिंग नहीं है, जो भी इनका टैलेंट है, जो भी इनकी आवाज़ है, दैट इज़ ऑल गॉड गिवन। He's one of the most talented singers we have in Pakistan and we all are very very proud of him, Ali Zafar. Kehte hain ki hain aur bhi duniya mein sukhanwar bahut acche, kehte hain ki Ghalib ka hai andaaz-e-bayan aur. Ghalib ko gaana kisi saadat se kam nahi hai aur ye saadat dil se hasil kar rahe hain Ali Zafar. आती कोई सूरत
नजर नहीं आती कोई उम्मीद बर नहीं आती कोई सूरत नजर हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती कुछ जानता हूँ सवाब तो जहद जानता हूँ सवाब तो जहद पर तबीयत इधर नहीं आती पर तबीयत काबे किस मुंह से जाओगे गालिब काबे किस मुंह से जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर दोनों को क्रेडिट जा रहे हैं यहाँ पे आपको भी जा रहे हैं और इनको भी जा रहे हैं। एक मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये यही गालिब का जो कलाम है इसी धुन में फरीदा खानम ने भी इसको गाया है और राहत फ़तेह अली ने भी इसको कवाली फॉर्म में वो भी इंशाल्लाह वेरी सून आपके सामने वो भी आएगा। बहुत बड़े बड़े लोग हमारे मेहमानों में शामिल हैं। गवर्नर साहब सलमान तहसीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं उनसे जानना चाहूँगी आपको कैसी लग रही है आज की महफिल। मैं समझता हूँ कल्चरली और हर तरीके लाहौर का उसने बड़ा बड़ा रोल प्ले किया तो मेरा रिश्तेदार भी ऐसे मैं ऐसी नहीं तारीफें कर रहा लेकिन सर अब आप गवर्नर हैं माशाल्लाह से तो अब आपके कंधों पे भी एक बहुत बड़ा एक आ गया कि आपने भी सकाफत को भी आगे लेके चलना है और तो बहुत सारे काम हैं ही हैं लेकिन मेरे ख्याल से कि ये भी आपके प्रायोरिटीज़ में शामिल होगा। बिल्कुल मैं मेरी सारी फैमिली जो है और मेरा एक मौक़ भी है बिल्कुल
और ख़ास तौर पे पंजाबी सकाफत। बिल्कुल, श्योर यू हैविंग अ गुड टाइम। यस आई एम। एक और बहुत बड़ी हस्ती यहाँ पे मौजूद है यूसुफ, मेरे ख्याल से गुलाम अली साहब। मैं बहुत मशकूर हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे गुलाम अली साहब यहाँ तशरीफ लाए। सर कैसे हैं आप? मुझे बहुत खुशी हुई है ये इस हवेली में जो सुर का काम हो रहा है और अल्फाज सुर लय ताल, ये सुर की हवेली मैं कहता हूँ इसको, ये सुर की हवेली जो हो जाए तो उस जैसी हवेली और कोई होती नहीं, ये हकीकत है, सच्ची बात है। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा गा रहे थे, मुझे खुशी हुई कि आपने इतना बड़ा, इतने बड़े लोगों का कलाम जो है ये गाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। रेडियो पाकिस्तान से हमने आगाज़ किया था तो वहाँ पे असातज़ा की गज़लें गाना पढ़ती थी, गालिब से लेके आतिश दाग देलवी वली दकनी, ये सारे लोग हम सबको गाया है, तो इसलिए हमारा जो जेन था वो मुश्किल पसंद हो गया, क्योंकि और कोई गज़ल ऐसी वैसी आती है तो हम उसको आराम से गा लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का और इतनी खूबसूरत बातें कहने का। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए बहुत ही एजाज़ और ऑनर की बात है कि आपके सामने बैठा हुआ यहाँ लिप सिंक ही कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बस दुआएं चाहिए। जानू ना, जानू ना, जानू ना, तू
जाने ना मेरे दिल की बातें, हाँ है तू कहाँ चांदनी है रातें, सारा जग जाने है तू ही न माने है, सारा जग जाने है तू ही न माने है मेरे दिल की जाने ना, 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 जाने ना। वैसे तो तमाम पाकिस्तान ही बहुत खूबसूरत मौसीकी है, लेकिन सिंध की एक ख़ास बात है। सिंध के जो गुलुकार हैं, वहाँ की जो मौसीकी है, क्योंकि वहाँ जो सूफियाना कलाम है वो बच्चा बच्चा उसको समझता है, लोग गाते भी हैं उसको। और अगर आप वहाँ कभी जाएं, कभी किसी उर्स पे जाएं, तो आपको ट्रू एसेंस वो आवाज़ें आपको मिलेंगी जिनका ताल्लुक मिट्टी से है। एक दफ़ा हम शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई के उर्स पे थे और वहाँ एक शख्स था जो सड़क पे बैठ के बांसुरी बजा रहा था, और हमने मेरे दोस्त मुमताज़ मिर्ज़ा साहब, जो पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ भी जो मुंसलिक थे, अब इस दुनिया में नहीं है, हमीद अखुन साहब, हमीद हारून साहब, हम सब इकट्ठे थे। तो हमने दूसरे दिन उनको स्टेज पे उनको ला के बिठाया और उन्होंने परफॉर्म किया, और ही वॉज एन हिट ओवरनाइट। नाम उनका गौस पक्षपरोही है, और माशाल्लाह भी यू नो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हुमैरा चन्ना जो है इस वक्त जो लोग गा रहे हैं उनमें एक बहुत अच्छी बड़ी सुरीली और बड़ी एक मंजी हुई आवाज़ है। तो आप सुनिए हुमैरा चन्ना की भरपूर तालियों में।
यहाँ पे हैं तो उनका जा नहीं सकती ये एक और गीत सुनाए बगैर। एक और ज़रूर सुनाएंगी। तो ये उस्ताद नज़र हुसैन साहब का की कॉम्पोजिशन है, उस सूफ़ी मुश्ताक ने ये गीत लिखा हुआ है और मैंने इसकी वीडियो जाके इंडिया में बनाई थी। मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है तो मैंने हम सब का, मेरे घर से यहाँ पे जितने भी हमारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का फेवरेट है। रुत रंगली तो चलो आगे चली
उत्ते चढ़िया के तेनू असी थकिया साडा जग सी वीरान अज वसिया कि नैनी खाब कि नैनी खाब हरे भरे वाह डालियां दी मिंडी पई खोल दी वाह डालियां दी मिंडी पई खोल दी रंगां दी जंज चढ़े चढ़े चेत चढ़िया के तेनू असी थकिया चेत चढ़िया चेत चढ़िया के तेनू असी थकिया साडा जग सी वीरान अज वसिया कि नैनी खाब कि नैनी खाब भरे भरे वाह डालियां दी मिंडी पई खोल दी वाह डालियां दी मिंडी पई खोल दी रंगां दी जंज चढ़े चढ़े चेत चढ़िया कि तेनू असी थकिया चेत चढ़िया तस्कीन को हम न रोए जो जौके नजर मिले तस्कीन को हम न रोए जो जौके नजर मिले वो जो आ जाते थे आंखों में सितारे लेकर जाने किस तेज गए ख्वाब हमारे लेकर ख्वाबों का सुदागर अहमद फराज हमारी आंखों में सितारे देकर चला गया। फराज साहब के साथ आपकी काफ़ी कुर्बत रही, इतनी जब हम महफिलें कर रहे हैं जहाँ पे हम बड़े शायरों का कलाम भी गा रहे हैं, फराज साहब का जिक्र ना करें तो ये महफिल मुकम्मल नहीं। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा इफ़त। और एक शाम मुझे याद है, चंद साल पहले फराज साहब यहाँ मेरे पास खाने पर तशरीफ़ लाए और एक बड़ी ही इन्जॉयबल इवनिंग, हमने अपनी शायरी भी सुनाई, हमने बेगम अख्तर को भी सुना, हमने फरीदा खानम को भी सुना, हमने ग़ुलाम अली को भी सुना और एक ना भूलने वाली शाम थी। और यहाँ सबका ही आना जाना था। घर में डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर जैसे शायर थे, डॉक्टर नज़ीर जो प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज के, उनकी भी यहीं की पैदाइश है, वो भी यहाँ थे। फैज़ साहब के जो वालिद थे उनका बहुत गहरा ताल्लुक था मेरे बुज़ुर्गों से, उसकी वजह से फैज़ साहब का यहाँ आना, फिर अब्दुलरहमान चुगताई का यहाँ आना, अला बख्श का यहाँ आना, उस्ताद अला बख्श का, फिर हफीज़ जलंधरी, सूफ़ी तबस्सम, इन सब बुज़ुर्गों को मैंने उनको देखा भी, उनकी बातें भी सुनी। उनका एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, हिजर की रुत जानलेवा थी पर गलत सभी अंदाजे निकले, ताज़ा रफाकतों के मौसम तक मैं भी जिया तू भी जिया। लेकिन हसब हाल जो उन्होंने जो मुझे एक शेर उनका हमेशा बहुत अच्छा लगता था और आज मैं यहाँ वो पढ़ दूँ कि हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। इतने बड़े शायर की बात हो रही है तो एक और बहुत अजीम इंसान की मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। आपका ये जो एक सफ़र या ये जो एक लगन जो म्यूज़िक की तरफ है, ये उनसे शुरू मेरे ख्याल से उनसे इन अ वे हुई, बहुत गहरा ताल्लुक उनके बुज़ुर्गों से एक गहरा ताल्लुक, क्योंकि जो ख़ान साहब के वालिद थे और उनके जो भाई थे, अलामा इकबाल का जो कलाम उन्होंने पॉपुलराइज़ किया तमाम सब कॉन्टिनेंट में, वो एक उसकी बहुत बड़ी वजह थी। उन्होंने उन्होंने तकरीबन अलामा का तमाम गाम जो कलाम था, जो बेसिकली जो कौम को यू नो उठाने के लिए, जज्बा अपने जज्बा पैदा करने के लिए, उनको उनकी नींद से उठाने के लिए, उसमें जो एक जो बहुत मशहूर कवाली थी उनकी, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, जो उन्होंने गाई और फिर खान साहब ने गाई और फिर राहत ने उसमें, और मैंने जब ये कवाली राहत के साथ की तो फिर मुझे महसूस हुआ कि हाँ, राहत हैज़ नाउ कम ऑफ एज। राहत नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के बारे में तो कुछ कहने की मेरी हिम्मत और मजाल ही नहीं है, लेकिन आप जो उनको उनके फ़न को कंटिन्यू रखे हुए हैं, अल्लाह आपको इसमें बहुत तरक्की दे। और अब हम आपको सुनना चाहेंगे, आपकी तालियों में राहत फ़तेह अली ख़ान।
तरस की को हम ना रोए, जो जाके नजर मिले तरस की को हम ना रोए, जो जाके नजर मिले को हम न रोए, जो जाके नजर मिले। अपनी गली में मुझको न कर दफन बादे कत्ल, अपनी गली में मुझको न कर दफन बादे कत्ल, मेरे पते से खल्क को क्यों तेरा घर मिले, मेरे पते से खल्क को क्यों तेरा घर मिले। I'm not afraid.
मिसकीन को हम न रोए जो जौके नजर मिले, तस्कीन को हम न रोए जो जौके नजर मिले। ऐसा किनाने कूचाए दिलदार देखना, ऐसा किनाने कूचाए दिलदार देखना, तुमको कहीं जो गालिब आया शुफ्ता सर मिले, तुमको कहीं जो गालिब आया शुफ्ता सर मिले। जाके लाए उन्हें अपने ठिकाने,
दिल डाडा साड़िया तेरे विछोड़े सानू जूंदियां ही मारिया तेरी ये जुदाई साड़ा दिल डाडा साड़िया तेरे विछोड़े सानू जूंदियां ही मारिया दूर जाके भुल गया साथ पुराने और रबा कोई मेरे दिल दा हाल ना जाने और रबा कोई मेरे दिल दा हाल ना जाने कॉन्टिनेंट में फेमिनिन एक्सप्रेशन की बेहतरीन शक्ल करार दिया गया है और जब इस एक्सप्रेशन को प्योर फीमेल वॉइस मिल जाए तो फिर लुत्फ दुबाला हो जाता है. मेरी तो फेवरेट आवाज़ों में से एक आवाज़ है शबनम मजीद एक खूबसूरत पंजाबी गीत के साथ. Yeah.
उमेरा इस वक्त जो गीत हमें सुनाने जा रही हैं उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है. एक तो ट्रिब्यूट है एक ऐसी फनकारा को कि जिसकी जिनको मैं कहूँगी कि पाकिस्तान में पॉप म्यूज़िक पॉपुलर म्यूज़िक की रवायत शुरू ही उन्होंने की. आप लोग समझ गए होंगे कि मैं नाज़िया हसन की बात कर रही हूँ. और उनका बड़ा ही खूबसूरत पंजाबी गीत हमने बड़ी शादियों पे गाया और मुझे लेटली पता चला है कि उसके लिरिक्स भी जनाब ने लिखे थे. टाली दे थल्ले बह के आ करिए प्यार दिया गल्ला. बहुत साल पहले एक दफ़ा जुहेब और नाज़िया दोनों मेरे यहाँ मेहमान थे और यहीं ठहरे हुए थे और उनका एक प्रोग्राम था PTV के लिए बन रहा था तो यहीं उसकी रिहर्सल्स भी वो कर रहे थे. तो मैंने उनको कहा कि आप ये ट्राई कर लें तो उनको बहुत पसंद आया. और ये भी आई थिंक ये बात PTV को जाती है कि पहली दफ़ा बाद में नाज़िया ने उसको फिर री रिकॉर्ड करवाया लंदन में और उसको वहाँ उसकी वीडियो भी बनाई. मेरी सबसे पहली कॉम्पोजिशन और सबसे पहले लिरिक्स अगर मैंने किसी के लिए किए थे तो वो नाज़िया के लिए थे. तो दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट विच आई डिड इयर्स एंड इयर्स अगो.
जैसा कमाल फ़न शायर हो और पटियाला घराना घराने का होनहार गुलूकार तो इम्तिजाज कैसा होगा आप खुद ही सोचिए। समझ ही गए होंगे कि अब मैं दावत दे रही हूँ शफकत अमानत अली को। मुझे बहुत खुशी हुई कि शफकत के साथ काम करके। शफकत गेव ऑल द टाइम, आई नो ही इज़ अ वेरी बिजी पर्सन, लेकिन ही वॉज एक्स्ट्रा स्वीट। इनके बुज़ुर्गों के साथ, इनकी फैमिली के साथ एक बहुत पुराना और दरीना एक ताल्लुक वास्ता है। तो हियर इज शफकत विद गालिब। दिल ही तो है न संग खिश्त, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना क्यों रोएंगे हम हजार बार, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों, दिल ही तो है न संग। Slew me.
वक्त से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, दिल ही तो है न संगो खेश। खस्ता के बगैर गालिब, खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, गालिब खस्ता के बगैर, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद, जार जार क्या रोई, जार जार क्या कीजिए, हाय हाय क्यों, दिल ही तो है न संगो खेश्त, दिल ही तो है न संगो खेश्त, दर्द से भरना हजार बार, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों, दिल ही तो है न संगो खेश्त, दिल ही तो है। माशाल्लाह आपने जितनी भी कॉम्पोजिशंस की हैं उस मतलब ये नहीं लगता कि आपने बकायदा सीखा नहीं हुआ और आप कोई बहुत कमाल के कंपोज़र नहीं हैं। पता नहीं अब ये तो लोग जज करेंगे, लेकिन मैं क्योंकि मैं कुछ कोई सास तो नहीं बजाता, तो मैं नॉर्मली एक धुन मेरे माइंड में आती, मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और लेटली साहिर के साथ, बग्गे के साथ, क्योंकि असल एक धुन आप बनाते हैं या आप जो भी लिखें या बनाएं, जब तक उसकी अरेंजमेंट खूबसूरत ना हो तो वो उसकी आधी वो चीज़ रह जाती है। तो आई थिंक कि अगर ये धुनें अच्छी हैं और ये डायरेक्ट्स अच्छे हैं तो इनमें बहुत हाथ साहिर का है कि जिसने इतनी खूबसूरती के साथ इनको इनमें रंग। सांसों में बसे तू ही तू, मेरी आंखों में रहे तू ही तू, मेरी सांसों में बसे तू ही तू, तू न जाने ये प्यार मेरा, तू न जाने तू क्या है मेरा, मेरी आंखों में रहे तू ही तू, मेरी सांसों में बसे तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू।
कभी कभी रात हो, तेरे हाथों में बस मेरा हाथ हो, कभी दिन हो तो कभी कभी रात हो, तेरे हाथों में बस मेरा हाथ हो, हर दम मैं ये चाहूँ तेरा साथ हो, तू न जाने ये प्यार मेरा, तू न जाने तू क्या है मेरा, मेरी आँखों में रहे तू ही तू, मेरी सांसों में बसे तू ही तू, तू न जाने ये प्यार मेरा, तू न जाने तू क्या है मेरा, मेरी आँखों में रहे तू ही तू, मेरी सांसों में बसे तू ही तू, तू ही तू, हमारी आज की लास्ट जो फनकारा हैं फरिया परवेज, मैं समझता हूँ कि बहुत ही फरिया जो हैं आप देखेंगे कि पहली चीज़ जो वो गाएंगी वो बेगम अख्तर की एक गज़ल है और उसके बाद एक पंजाबी गीत. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो कि कितनी उनकी रेंज जो है एक एंड से दूसरे एंड. आई थिंक शी इज़ अ वेरी वर्सटाइल सिंगर और ये कुछ भी गा सकती हैं. कुछ मतलब अगर बेगम अख्तर गा सकती हैं तो वाकई कुछ भी गा सकती हैं. उनके दिल में समाए हुए तो है
जख्मों को दिल के देख के हैरान हो ना, जख्मों को दिल के देख के हैरान हो ना, ये गुल हुजूर ही के खिलाए पे मैं बताना चाहती हूँ सबको कि ये लिखी भी बेगम अख्तर ने खुद थी और इसको कंपोज भी उन्होंने खुद किया था। मेरे एक्सपीरियंसेस में तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एक इजाफा है क्योंकि बेगम अख्तर को वाकई गाना मेरा ख्याल है कि नामुमकिन है, सिर्फ एक कोशिश जो हमेशा से हम करते आए हैं और करना ही पड़ेगा हर आने वाले को। बेसिकली द ट्रेडिशन ऑफ बेगम अख्तर आई शुड कॉल इट। बिल्कुल। अब एक वही क्योंकि हम सभी यहाँ पे आज यूसुफ जी की हवेली में हैं और बहुत खूबसूरत ईद है, यानी कि एक बहुत खूबसूरत सा एक फोक बेस्ड बहुत प्यारा सा एक माहिया है, I should call it Mahia, I think, Ranjana, so I'm sure you'll like it.
बेशगनी